प्रदूषण कई बीमारियों की वजह है। देश में बढ़ता पॉल्यूशन हार्ट अटैक, स्ट्रोक, निमोनिया और सांस की समस्या पैदा कर सकता है। लेकिन हाल में ही हुई एक रिसर्च ने खुलासा कर सभी को चौंका दिया है। दरअसल रिपोर्ट के मुताबिक एयर पॉल्यूशन की वजह से आपको दिमागी बीमारी भी हो सकती है। जी हाँ, अगर आपको ये जानकारी नहीं है तो ये आपको जरूर देखना चाहिए। आज की इस वीडियो को देखने के बाद यकीनन आप एयर पॉल्यूशन से बचने की कोशिश करेंगे, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि कैसे पॉल्यूशन आपके दिमाग पर वार करता है। आखिर पॉल्यूशन और दिमाग का आपस में क्या कनेक्शन है? साथियों, लेसेंट की एक रिपोर्ट सामने आई है जिसमें एयर पॉल्यूशन के कारण ब्रेन स्ट्रोक पड़ने की संभावनाएं बताई गई हैं। एयर पॉल्यूशन में पाई जाने वाली सबराचोनोइड दिमाग के अंदर ब्लीडिंग का कारण बनती है, जिसके कारण ब्रेन स्ट्रोक का खतरा बढ़ जाता है। भारत, अमेरिका, न्यूजीलैंड, ब्राजील और यूएई के रिसर्चर ने एक इंटरनेशनल टीम के साथ रिसर्च किया है, जिसमें पता चला है कि एयर पॉल्यूशन के कारण ब्रेन स्ट्रोक का खतरा 14% तक बढ़ गया है। इसके कारण मौत के साथ साथ विकलांगता भी हो सकती है। साथियों, आपकी जानकारी के लिए बता दें कि भारत के युवाओं में आए दिन ब्रेन स्ट्रोक के मामले दिन पर दिन बढ़ रहे हैं। इस मामले में पिछले 5 सालों में 25% तक वृद्धि देखने को मिली है। सबसे ज्यादा मामले 25 से 40 साल की उम्र वाले लोगों में दिखाई देती है। दरअसल इसके पीछे का कारण है खराब लाइफस्टाइल, खानपान, खराब आदतें, धूम्रपान और मार्जिन लाइफस्टाइल के चक्कर में खानपान का ध्यान नहीं रखा जाता, जिसके कारण कई सारी बीमारियों का शिकार होना, जैसे हाई बीपी, डायबिटीज आदि शामिल हैं। सिर्फ ब्रेन स्ट्रोक ही नहीं बल्कि शुगर और हाई बीपी की ओर भी इशारा करती हैं। इसके अलावा जेनेटिक बीमारियों का खतरा भी बढ़ रहा है, जैसे स्लीपिंग डिसऑर्डर, दिल से जुड़ी बीमारियां, हाई बीपी, स्ट्रेस और तनाव के कारण कई सारी बीमारियां आजकल लोगों को हो रही हैं। इन सब के अलावा एयर पॉल्यूशन भी उसमें से एक कारक है। आजकल की युवाओं की लाइफस्टाइल काफी बदल गई है। जो लोग वर्किंग हैं, ऑफिस वगैरह में काम करते हैं, जो लोग घर से काम करते हैं वो लगातार घर में बैठे रहते हैं, जिसके कारण हार्ट और दिमाग पर काफी ज्यादा बुरा असर पड़ता है। भारत में कुल बीमारियों में न्यूरोलॉजिकल दिक्कत 10% से भी ज्यादा है। बढ़ती उम्र बढ़ने से देश में बीमारियों का खतरा भी बढ़ गया है। साथियों, ब्रेन स्ट्रोक को लेकर अगर भारत की बात करें तो भारत में हर साल 1,85,000 से भी ज्यादा मामले आते हैं, जिसमें हर 40 सेकेंड में एक ब्रेन स्ट्रोक का मामला सामने आता है। वहीं हर मिनट में एक ब्रेन स्ट्रोक से मौत हो जाती है। ऐसे में आपको सावधान हो जाने की जरूरत है। आपको सिर में चोट लगने से बचना होगा। आपको अपनी डाइट का खास ख्याल रखना होगा। धूम्रपान और तनाव से दूरी बना लें। रोजाना एक्सरसाइज करें। एक्सरसाइज सैर करने से डायबिटीज, मोटापा, हाई बीपी, डिस्लिपिडेमिया जैसी बीमारियों से बचे रहेंगे। अगर आप खुद का ध्यान रखेंगे तो न्यूरोलॉजिकल बीमारियों से भी बचे रहेंगे। दोस्तों, अगर आपको ये रिपोर्ट अच्छी लगी हो, काम की लगी हो, तो वीडियो को लाइक करें और इसी तरह की जानकारी वाली वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।